बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर द एटमॉस्फेयर में इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द ट्रोपोस्फियर। हम अपने मौजूदा लेक्चर में तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में एज अ लॉन्ग भी पूछा जाता है और एज अ शॉर्ट भी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फियर, वायर टेम्परेचर डिक्रीजिज अपवर्ड इन दिस स्फीयर। तो फिर आप ये ट्रोपोस्फियर वाला कम्प्लीट टॉपिक लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक, जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फियर। तो फिर इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे, द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फियर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। दीज टू गैसेस कंप्राइज 99% बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ्स एटमोसफियर। यहाँ तक। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन एटमोसफियर। तो फिर इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इज नेग्लिजिबल इन एटमोसफियर, येट दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। बोथ ऑफ दीज गैसेज अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रो बट absorb infrared radiations emitted by the earth's surface. Therefore, these gases absorb much of the outgoing radiations and warm the atmosphere. As the concentration of gases decreases gradually with the increase of altitude, correspondingly, टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। यहाँ तक। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फियर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज टू गैसेज कंप्राइज 99% बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ्स एटमोसफियर। एज द कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, correspondingly temperature also decreases at the rate of 6 degree centigrade per kilometer. हमारा next topic है stratosphere. ये भी बहुत important topic है, as a short भी और as a long भी। long question आपको इस तरह आएगा, what are the characteristics of stratosphere? Why does temperature increase upward in this region? यह long question आपको इस तरह आ सकता है, write a note on stratosphere. तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, स्ट्रेटोस्फियर्स की भी लेयर्ड होती हैं एटमॉस्फेयर में, अपर स्ट्रेटोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर और मिड स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई टेम्परेचर इंक्रीज अपवर्ड इन स्ट्रेटोस्फियर। आप लिखेंगे, इन दिस रीजन टेम्परेचर राइजेज ग्रेजुअली अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन दिस रीजन is responsible for the rise of temperature in stratosphere. यहाँ तक। ओजोन in upper layer absorb high energy ultraviolet radiation from the sun. It breaks down into monoatomic and diatomic oxygen. ये equation भी आप करेंगे। आपसे question इस तरह भी आ सकता है, explain upper layer of stratosphere. तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, सीन्स ओजोन इन द अपर लेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आपने ये सारा पेज भी लिखना है, और इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर राइजेज अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन इन द अपर लेयर एब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर is responsible for the rise of temperature. Next layer है mid stratosphere. Mid stratosphere के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे। और last वाली layer है lower stratosphere. Lower stratosphere के बारे में पूछा जाएगा तो आप यहाँ से लेकर
यहाँ तक बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा यहाँ तक। मिड स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन, मिड स्ट्रेटोस्फीयर में मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एंड डाईटॉमिक ऑक्सीजन, ये दोनों रिकम्बाइन होती हैं टू फॉर्म ओजोन, और रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, दस ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन मिड स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक और तरह से भी आ सकता है, वाई ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन मिड स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द मिड स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ से लेकर यहाँ तक। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर का क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, तो फिर आप लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मिड स्ट्रेटोस्फीयर हैज लेस यूवी लाइट पासिंग थ्रू इट, ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर रिसीव्स वेरी लो यूवी रेडिएशन। यहाँ पर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, मिडल स्ट्रेटोस्फीयर और अपर स्ट्रेटोस्फीयर की पोजीशन बताई गई है, आपने ये डायग्राम भी करनी है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।